अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ लाइव तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नए वीडियोस देखना चाहते हैं पहले तो घंटे को दबाइए जरा दिल से। रानीगंज थाने से 7 किलोमीटर दूर सई नदी के किनारे चौहरजन नामक स्थान पर माँ वराही देवी का पौराणिक व ऐतिहासिक मंदिर है। चलिए यात्रा की शुरुआत प्रतापगढ़ घंटाघर से 6 किलोमीटर दूर भूपिया मऊ के फ्लाईओवर से करते हैं। इस दौरान मैं आपको पौराणिक एवं ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से माता वराही देवी से जुड़ी कथाएं सुनाता हूं। 12वीं सदी के मध्य महोबा में चंदेल राजपूतों के आखिरी राजा परमाल देव के दरबार में दो योद्धा रहा करते थे, आल्हा और उदल। आल्हा उदल सच्चे राजपूत वीर थे। उन्होंने राजा परमाल देव के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली और दिन रात युद्ध करके चंदेल की सीमाओं को बढ़ा दिया। आल्हा उदल की कीर्ति पूरे भारत में फैलने लगी। यह बात उनके मामा माहिल को चुभी और उसने राजा परमाल को आल्हा के खिलाफ भड़का दिया। परिणाम स्वरूप राजा ने आल्हा के घोड़े नाहर को मांगना चाहा, लेकिन राजपूत धर्म का पालन करते हुए आल्हा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और दोनों महोबा छोड़कर चले गए। लोक कथाओं के अनुसार महोबा का त्याग करने के बाद आल्हा उदल लगातार किसी नई जगह की तलाश में भटकते रहे। उनका घोड़ा नाहर थक चुका था, उन्हें विश्राम के लिए किसी सुरक्षित जगह की जरूरत थी। लगातार कई दिनों तक भटकने के पश्चात प्यास से छटपटाते हुए वह सई नदी के किनारे एक छोटे से गांव चौहरजन में पहुंचे। चौहरजन गांव की विशेषता यह थी कि आधा गांव सई नदी के इस पार था और आधा उस पार। आने जाने के लिए लकड़ी की बनी हुई नाव का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बरसात के दिनों में जब सई नदी का बहाव तेज हो जाता तब नदी को पार करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता। गांव वालों को इस कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए उदल के दिमाग में एक विचार आया। वह लोग सई नदी के नीचे से एक सुरंग खोदना चाहते थे। सुरंग का दोनों मुहाना नदी के दोनों तरफ के ऊंचे टीलों पर जाकर खुलना था, ताकि बरसात के समय सई नदी का पानी गुफा के भीतर ना जा सके। इस विचार को आकार देने के लिए सबसे पहले नदी के दोनों तरफ 100 फीट गहरा कुआं खोदना तय हुआ। इसके बाद नदी के नीचे से सुरंग खोदे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी थी। इस कार्य की शुरुआत करने से पहले आल्हा उदल ने चौहरजन गांव में पूजनीय वराही देवी के मंदिर का निर्माण किया। भागवत महापुराण के अनुसार जब हिरण्याक्ष से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए विष्णु के वराह अवतार का जन्म हुआ, तब उसी समतुल्य में माँ दुर्गा ने वराही देवी के रूप में जन्म लेकर सृष्टि में संतुलन कायम किया था। कुछ लोग माँ वराही देवी को सती के शरीर के टुकड़ों के गिरने से बना शक्तिपीठ मानते हैं, लेकिन इसकी कोई पौराणिक सिद्धता नहीं है। चलिए पौराणिक कथा से ऐतिहासिक किंवदंतियों की तरफ वापस लौटते हैं। मंदिर के निर्माण के पश्चात कुछ लोगों का मानना है कि सुरंग का निर्माण किया गया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि सुरंग के निर्माण से पहले ही कन्नौज के राजा जयचंद के लड़के लाखन ने आल्हा उदल को अपनी सेना में शामिल कर लिया। इधर महोबा में राजा परमाल द्वारा दिल्ली के महाराजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को क्षति पहुंचाए जाने के बाद गुस्से में आकर पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में जान माल की भयानक क्षति के बाद राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के नियमों के मुताबिक तैयारी के लिए 1 महीने का वक्त मांगा। इस बीच विवश होकर राजा परमाल को आल्हा उदल को वापस अपनी सेना में बुलाना पड़ा। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के कई अनुभवी योद्धा मारे गए। पृथ्वीराज चौहान द्वारा
उदल को मार देने के पश्चात आल्हा ने संन्यास ले लिया। इसके बाद आल्हा का जिक्र इतिहास के पन्नों पर कहीं नहीं मिलता। कुछ लोगों का मानना है कि अपना शेष जीवन आल्हा ने चौहर्जन में रहकर मां बराही देवी की पूजा अर्चना में गुजार दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो निःसंदेह प्रतापगढ़ हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप में इसे फैलाइए ताकि प्रतापगढ़ के इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी हो सके। जय मां वराही देवी।